नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोल देंगे। दो करोड़ युवाओं को एक साल में रोजगार दे दूंगा, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डाल देगा, किसान की दिन भर मदद करेगा। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे थे, 2014 का चुनाव था, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। चोरी करने के बाद पकड़े जाने के बाद चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। अरे मोदी जी, सबसे पहले एक बात समझिए, गरीबों के घर में चौकीदार नहीं होता है, चौकीदार सिर्फ अमीरों के घर में होता है। किसान के घर में चौकीदार नहीं मिलेगा, बेरोजगार युवा के घर में चौकीदार नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदार के घर में चौकीदार नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी के घर में चौकीदार मिलेगा। हां तो आपने चौकीदारी की, अनिल अंबानी की चौकीदारी की, मेहुल चौकसी की चौकीदारी की, नीरव मोदी की चौकीदारी की, ललित मोदी की चौकीदारी की, विजय माल्या की चौकीदारी की। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए आपके खून पसीना का पैसा दे दिया। जहां भी जाते हैं देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और फिर एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दे देते हैं। राफेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। राफेल हवाई जहाज का नाम सुना है आपने? सुना है। यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था एयरफोर्स को हवाई जहाज की जरूरत, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज, 126 हवाई जहाज खरीदने थे और हवाई जहाज को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हिंदुस्तान में बनाती, यूपीए का निर्णय था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, हवाई जहाज में फ्रांस जाते हैं, उनके साथ अनिल अंबानी पेरिस फ्रांस जाता है और नरेंद्र मोदी स्वयं राफेल के कॉन्ट्रैक्ट को बदल के 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाल देता है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है ये देखो, ये रहा राफेल का वाजा, दिखाओ जरा भैया, हां ये दिखाओ, ये है ये हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का है, नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए का खरीदा है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे बता दिया कि अगर फ्रांस की कंपनी को हवाई जहाज बेचना है तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। चौकीदार। अब चौकीदार ने आप सबसे वायदा किया था रोजगार मिलेगा, किसानों की मदद होगी। यहां किसी को ममता जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया है? हाथ उठा के दिखा दो, कोई है यहां पे? ये देखो, कोई नहीं है। मुझे आप बताइए, ममता जी ने पिछले सालों में विकास का यहां क्या काम किया, मुझे बताओ, कुछ किया? यहां पे युवाओं को रोजगार मिला, किसानों की मदद हुई। हां तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी झूठी बात बोलते हैं, दूसरी तरफ यहां आपके चीफ मिनिस्टर वायदे के ऊपर वायदे करते रहते मगर आपका यहां कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, यहां पे आपने कांग्रेस को वोट दिया है,
हरदम कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार यहां एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है ना, दिया है ना, आप इसको याद रखिए, भूलिए मत इसको, ये याद रखिए कि यहां आपको कांग्रेस के पुराने कैंडिडेट ने धोखा दिया है। विचारधारा की लड़ाई है और यहां दबाव में आकर डर के उन्होंने आपको धोखा दिया है, और इस बात को आप बिल्कुल भूलना मत, यह कांग्रेस का गढ़ है, और उनको आप याद दिलाइए कि धोखा देकर बंगाल में काम नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, 15 लोगों को उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है, और हिंदुस्तान का किसान, बंगाल का किसान दिन भर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफी मांगता है, और नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, ममता बनर्जी आपका कर्जा माफ नहीं करती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, अपने भाषण में मैंने वहां साफ बोल दिया, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ इन 3 स्टेट्स में हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ हो गया। छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2500 रुपए किसान को दिया जाते हैं, आदिवासियों की मदद, उनकी जमीन की रक्षा, किसानों की जमीन की रक्षा होती है। बंगाल में एक व्यक्ति पूरे के पूरे बंगाल को चलाते हैं, ना किसी से बात करती है, ना किसी से पूछती है, जो उनके मन में आता है वो कर देती है। क्या बंगाल की कोई आवाज नहीं है? क्या बंगाल की जनता की आवाज नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक व्यक्ति को आपका पूरा प्रदेश चलाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, दिन भर कांग्रेस पार्टी को यहां मारा जाता है, और हमारे प्यारे जो कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, मैं उनको दिल से, प्यार से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप हर रोज कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, आंधी में, तूफान में, बारिश में, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर रोज कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा होता है। मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आप पीछे मत हटिए, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। दिल्ली में सरकार बनने वाली है, फिर और देखना क्या होता है। आपने बहुत कुछ सह लिया है, और बंगाल की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपने बहुत कुछ सह लिया है। पहले आप लेफ्ट फ्रंट से मारपीट खाते थे, अब आप ममता जी की पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस के राज में दुखी हो। किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता है, बेरोजगारी, दाएं बाएं सब जगह बेरोजगारी, मगर भाषण चलते जाते हैं ममता जी के, दिन भर भाषण चलते जाएंगे। अच्छा भाई बताओ, ममता जी ने आपके लिए क्या किया मुझे बताओ, एक बात बता दो, किसान का कर्ज माफ किया, युवाओं को रोजगार दिया, छोटे दुकानदारों की मदद की। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 8 बजे रात को, पता नहीं क्या हो गया उस दिन, 8 बजे रात को कहते हैं 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको मैं रद्दी कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जो रोजगार था वो भी नष्ट कर दिया। भाई और बहनों, देश के प्रधानमंत्री ने 5 साल में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज कर दी,
पूरे देश में सिर्फ बेरोजगारी, करोड़ों युवा बेरोजगार, छोटे दुकानदार नष्ट हो गए, खत्म हो गए, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं अब मैं गब्बर सिंह टैक्स लागू करने जा रहा हूं। 5 अलग अलग टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को बात नहीं समझ आई ये क्या है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स क्या है, किसी को नहीं समझ आई। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये गब्बर सिंह टैक्स को बदल के जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, साधारण टैक्स होगा। चौकीदार, हमने निर्णय ले लिया है जो भी सरकारी रोजगार आज खाली पड़े हैं, जो भी पोस्ट खाली पड़े हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी आके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भर देगी। आपको बंगाल में, हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं मिलती, स्वास्थ्य नहीं मिलता, अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है तो पहले अमीर लोगों को लाखों रुपए जेब में डाल के दो, सबके सब अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, लाखों रुपए पहले जेब से डाल के दो। सरकार का काम, शिक्षा का काम होता है, स्वास्थ्य का काम होता है। हम बंगाल में, बाकी देश में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का जाल बिछा देंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का जाल बिछा देंगे, सरकारी अस्पतालों का जाल बिछा देंगे। आप बीमार हो गए, कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओगे। स्कूल में, कॉलेज में आपको आपके बच्चों को भेजना होगा इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, लॉयर बनाने के लिए भेजना होगा, कम से कम पैसे में आप भेज पाओगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में डालेगी। और हमने ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए अमीर लोगों को देता है, हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल देंगे। मिनिमम इनकम गारंटी का हमने निर्णय ले लिया है, कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए, मतलब हमने एक मिनिमम कम से कम आमदनी की लाइन बनानी है। कहेंगे कि इतने रुपए की लाइन है, इतने रुपए हिंदुस्तान के कम से कम आमदनी होगी, और फिर जो भी उस आमदनी की लाइन से नीचे होगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी भाषा बोले, किसी भी धर्म का हो, सीधा सीधा उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डाल देगी। गरीबों के खिलाफ हम ऐसे लड़ाई लड़ेंगे। यहां पे आप आम उगाते हो, आपका जो रेशम है मशहूर है, यहां पास में, बिल्कुल खेत के पास में हम आम को प्रोसेस करने की फैक्ट्री लगाएंगे कि आप अपना आम डायरेक्ट सीधा उस फैक्ट्री में बेचो, और फिर उस फैक्ट्री से आपका आम, अलग अलग प्रोडक्ट्स, आम के प्रोडक्ट्स बाकी हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में जाए। उसके लिए हम बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, और आपको जब आप अपने आम को फैक्ट्री में बेचोगे आपको सही दाम मिलेगा, जो आपके खून पसीने के लिए आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। आप यहां, इतनी बड़ी भीड़ है आज, इतनी दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपको दिल से, प्यार से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, आपने हमेशा हमें प्यार दिया है, हर बार आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हो, और मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूलने जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
कि यहां कांग्रेस पार्टी की हर समय चाहे अच्छा वक्त हो खराब वक्त हो आप लोग हमारे लिए खड़े होते हो आते हो मीटिंग में आते हो और फिर वोट देते हो बटन दबाते हो। मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला हूं और हिंदुस्तान में जब सरकार बनेगी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आप याद रखना ये बात मैं नहीं भूलने वाला हूं और जो भी आपकी जरूरतें होंगी चाहे वो रोजगार की बात हो किसान की बात हो खेत की बात हो जो भी मैं आपकी मदद कर सकूं जब तक मैं हूं मैं मदद आपकी करूंगा। ये पुराना रिश्ता है दिल का रिश्ता है ये प्यार का रिश्ता है राजनीतिक रिश्ता नहीं है। और देखिए अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं आपने बंगाल में बंगाल के युवाओं से कह रहा हूं बंगाल की जनता से कह रहा हूं आपने सालों सीपीएम को देखा उन्होंने एक संगठन की सरकार चलाई बंगाल का विकास नहीं हुआ फिर आपने ममता जी को चुना और आपने आज बंगाल का हाल देखा है। जो अत्याचार सीपीएम के समय होता था वही अत्याचार आज ममता जी के समय हो रहा है। उस वक्त एक संगठन के लिए चलता सरकार चलाई जाती थी आज एक व्यक्ति के लिए सरकार चलाई जा रही है। तो यहां जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक बंगाल में प्रगति नहीं हो सकती है। और हम पूरा दम लगाएंगे कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आए बंगाल में हमारा कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराए। हमारे कार्यकर्ताओं मैं आपसे वायदा करता हूं कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी लड़के अपनी सरकार बना के दिखाएगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद।